अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। क्या मेरी वीडियो कुछ लेट हो गई है? क्योंकि रमज़ान में बिज़ी थे और मेरी तबीयत भी ठीक थी। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। ये मैंने अपनी बेटी का ड्रेस सफ़ायर का रेडी किया है। ये 2 पीस था और कैमरिक फैब्रिक है इसका और प्रिंटेड है। सबसे पहले नेक लाइन की तरफ आते हैं। नेक लाइन वी शेप में मैंने बनाई हुई है और इसके ऊपर पैपिंग जो है वो मैंने ट्राउज़र के फैब्रिक की की है। और इधर मैंने एक बटन जो है वो लगा दिया ताकि बच्ची है ऊपर नीचे हो तो वो इधर से नेक लाइन जो है वो सही अपनी जगह पे रहे। और इसके मैंने इसी फैब्रिक की डोरी बना के और इसके साथ इसी ये फ्लावर की कटिंग करके और इसी के साथ मैंने ये जो है ना इसके टसल से बना के इसके साथ हैंग किया है। ये देखिए, अब इसके स्लीव्स की तरफ आते हैं। इसके साथ एक पैच मिला था जो मैंने कहीं भी अटैच नहीं किया, सिर्फ मैंने स्लीव्स पे लगाया था। लेकिन इसके ऊपर भी मैंने जो है ना वो इसकी लेस जो है वो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह की इसके अंदर फ्लावर है उसी तरह की मैंने लेस जो है वो बड़ी मुश्किल से ढूंढी है और इसके ऊपर वो मैंने अटैच किया। और स्लीव जो है मैंने थोड़े से लूज़ रखे हैं कि मेरी बेटी को थोड़े लूज़ वो स्लीव जो है वो पसंद है। थोड़ा सा मैंने इसका बेल शेप का टच दिया है, मामूली सा थोड़ा सा। और ये मैंने फ्लावर जो है ना वो इसके फ्रंट उस बॉर्डर के इतना अच्छा नहीं जो लग रहा था, इसके ऊपर मैंने वो लेस जो है फ्लावर वाली वो लगा दी है। फ्रंट पे नहीं मैंने लगाई, वो इतनी ज़्यादा हैवी हो जाना था, इतना अच्छा नहीं लगना था ना। ये फ्रॉक जो है मैंने अंग रखा जो है ना वो स्टिच किया है और पैनल 2 पैनल डाले हैं, 2 आगे हैं और 2 बैक पे हैं। और पैनल के अंदर मैंने पैपिंग नहीं की। इसकी भी एक वजह है ये कि इन पैनल की वजह से इसका जो दामन था वो फ्लेयर इतना ज़्यादा नहीं था। उसको ज़्यादा करने के लिए इसके अंदर मैंने ट्राई एंगल वाला 3 इंच का ना एक छोटी सी ट्राई एंगल की ये मैंने कली जो है वो इसके दोनों के फ्रंट वाले जो सेंटर वाला फैब्रिक होता है उसके और पैनल के सेंटर के दोनों के दरमियान वो अटैच किया। अगर मैं वो पैपिंग भी कर देती तो इसकी लुक जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो जानी थी, वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी ना ये। और ये जो दामन में सॉरी जो सेंटर में फैब्रिक है वो मैंने 3 पीस की कटिंग की थी, एक बैक पे लगाया और 2 फ्रंट पे। ये देखिए, ये ओपन भी ऐसे भी हो जाता है और अंदर से अटैच है, इसके अंदर कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और ये देखिए फ्रंट तक इस तरह से स्टार्ट हो रहा है और एंड तक इस तरह के लग रहे। और इसके ना जो है दामन के वो राउंड शेप में है, राउंड शेप में मैंने सारी इसकी जो है पैपिंग कर दी है उसी फैब्रिक के ट्राउज़र वाले के साथ। और इसके अंदर की नीटनेस देखिए, ये देखिए, और ये बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि इसके अंदर जो है ना ये इस तरह सेपरेट है। ये देखिए, ये इसकी बैक वाली साइड वो भी इसी तरह सेम जिस तरह का फ्रंट था वही 2 पैनल डले हैं। और इन पैनल के दरमियान में मैंने वही ट्राई एंगल जो है वो डाला है। ये देख लीजिए, ये ऐसे ये। अब इसके ट्राउज़र की तरफ आती है। ट्राउज़र जो है वो पोलका स्टाइल में डॉट्स डिज़ाइनिंग इसकी है और ट्राउज़र स्टिचों के बहुत ही प्यारा है। इसकी डिज़ाइनिंग भी वैसे मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और स्टिचों के बहुत ही प्यारा है। इसका ट्राउज़र जो है मैंने वो स्ट्रेट नहीं बनाया, बेल शेप में थोड़ा सा टच दिया है, मामूली सा थोड़ा सा टच दिया। और ये इस तरह है। और इसका पाँचा मैंने जो है वो आई थिंक 11 या 10 इंच का ना वो रखा है, 12 का नहीं रखा। ये इसके लुक है। और ये 2 पीस था तो इसके साथ मैंने दुपट्टा जो है ना वो खुद रेडी किया है, इसके साथ नहीं था ये। इसके साथ दुपट्टा जो है वो नेट का दुपट्टा जो है वो मैंने बनाया है और वही जो है फैब्रिक ट्राउज़र वाला वो उसके चारों तरफ ये इस तरह का अटैच किया है और दुपट्टा रेडी हो के इस तरह का लग रहा है, बहुत ही प्यारा। ये देखिए इस तरह का, ये देखिए। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा।
और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली हर भी जो वीडियो वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये देखे इसकी लुक जो है वो इस तरह की लगेगी। ये और ये इसका दुपट्टा है, ये देखिए। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह।